सातवें चरण के लोकसभा चुनाव के दूसरे दिन मंगलवार को गोरखपुर सदर लोकसभा सीट के लिए 4 और बांसगांव सुरक्षित सीट के लिए 1 प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। इस दौरान पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे सहित अन्य अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजय पांडेयन के कोर्ट में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया तथा 7 प्रत्याशियों ने 9 सेट नामांकन पत्र लिए। इसी प्रकार बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से 1 उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया तथा 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए। गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रविंदर श्याम नारायण उर्फ रवि किशन तथा निर्दल उम्मीदवार के रूप में नवल किशोर नथानी, अच्छेलाल गुप्ता तथा मूल निवासी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार राजभर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तथा बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कमलेश पासवान ने नामांकन दाखिल किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया। एक चीज और है, वो निर्दलीय के साथ में है ना 10 आदमी जा रहे हैं, ठीक है, अंदर 5 ही जा रहे हैं कैंडिडेट सही, इस चीज को कर लेना व्यवस्था है। हम देखो मजिस्ट्रेट आके हमको कर देंगे, तहसीलदार साहब को बोल दिया जाके ले लेंगे, आप नामांकन कर खुलवा दिए उधर से। अच्छा, पीछे अलग उधर वाला ऑफिस वाला गेट नहीं, उधर पीछे अलग खुला है, वो उस कोने पे शहरी चौराहे वाले कोने पे आ जाओ, उधर पे आ जाओ, छुट्टी ले रहे जा रहे थे मीटिंग के लिए। अब इन केस आपको अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है इसके लिए कब से आई को आप बैकग्राउंड पर रखिए, बैकग्राउंड को हरिओम नगर पर रखिए, फटाफट सर्कुलर यूँ चलाओ, ठीक है, आप चले जाओ आपस में समझो, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है उसको ज़्यादा खतरे हरिओम किराए का चक्कर मारे या तंबुया रोड पर तक चक्कर मुझे आए। और फिर आज गोरखपुर में 4 गोरखपुर सांसद क्षेत्र में 4 नामांकन हुआ था, कल 1 हुई थी, दोनों मिलाकर के अभी तो टोटल 5 नामांकन हुआ है अब तक।